बरसात के समय में पशुओं को घास खाने पर हो जाती है परजीवी पेट की बीमारी। सभी पशुपालक पशु चिकित्सा केंद्र पर जाकर लें दवा। पशुओं को बीमारी से बचाने के लिए दें दवा। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी। गैंग बनाकर लूट का अपराध कारित करने वाले गिरोह के दो शातिर अपराधियों के ऊपर कैंट पुलिस ने की गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। सीओ कैंट योगेंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी। पशुओं में हो जाती है गला घोटने की बीमारी। पशुपालन विभाग द्वारा पशुओं का किया जा रहा है वैक्सीनेशन। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने दी जानकारी। जीपी एसोसिएशन के द्वारा डॉक्टर के एन लहरी चैंपियन ट्रॉफी बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। जनपद के सभी डॉक्टरों ने लिया भाग। मुख्य अतिथि डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने विजेता व उपविजेता सहित सभी प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर किया सम्मानित। दिग्विजय नाथ स्मृति व्याख्यान माला का प्राचार्य ओम प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में महाविद्यालय में किया गया आयोजन। भारत के ज्ञान परंपरा पर एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर हुई चर्चा। घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा कि घोसी में खिलने जा रहा है कमल। लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश से 80 सीट जीतेगी भाजपा। नकली करेंसी का असली के रूप में प्रयोग करने व धोखाधड़ी गबन के आरोप में चार अभियुक्तों को खजनी पुलिस एसओजी की व स्वाट टीम ने किया गिरफ्तार। 10,85,000 रुपए व अन्य कूटरचित सामग्री, 5 मोबाइल, 3 मोटरसाइकिल किया बरामद, एसएसपी ने किया। नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। दिन भर की खबरों के साथ मैं हूँ फरीद अहमद। जनपद में बरसात के समय पशुओं को परजीवी पेट की बीमारी हो जाती है, जिसके संबंध में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि बरसात के समय में पशु घास खाते हैं जिनको परजीवी पेट की बीमारी हो जाती है, इसलिए उनको पेट की दवा ज़रूर दें, जो कि हर पशु चिकित्सालय पर उपलब्ध है। इसलिए इसके अलावा हमारी 1962 की मोबाइल वैन भी चल रही है, जहाँ भी पशुपालक को दिखाई दे आप उनसे भी दवा ले सकते हैं। इसके अलावा लंपी स्किज डिजीज बीमारी की भी सूचना मिल रही है। यदि किसी पशु को बुखार व शरीर पर दिखाई दे तो आप तत्काल पशु चिकित्सालय पर जाकर दवा ले लें और सूचना देकर वैक्सीनेशन जरूर करवा लें। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र सिंह ने कहा कि बरसात के सीजन में चूंकि पशु जो है घास खाते हैं जमीन से, तो परजीवी पेट की कीड़ी की दवा अवश्य दे दें, क्योंकि उसके प्रकोप होने की चांसेस बहुत अधिक रहते हैं। तो अपने नजदीकी पशु चिकित्सालय पे जाके परजीवी की दवा, पेट के कीड़े की दवा अवश्य ले लें और प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में हर पशु चिकित्सालय पे परजीवी की दवा हमारी उपलब्ध है। साथ में हमारी 1962 की मोबाइल वैन भी चल रही है और वो वैन जहाँ भी पशुपालकों को दिखाई दे या संपर्क हो और वहाँ से वो परजीवी की दवा उनसे भी ले सकते हैं। साथ में एक इस समय सामायिक और है कि LSD लंपी स्किन डिजीज बीमारी के भी छुटपुट कहीं सूचनाएं मिल रही हैं, तो जैसे ही किसी पशुपालक को ये लंपी स्किन डिजीज के लक्षण दिखाई दे, खास करके तेज बुखार और शरीर पे चकत्ते टाइप या दाने टाइप, तो तुरंत नजदीकी पशु चिकित्सालय पे सूचना दें और हमें भी सूचना दें। साथ में लंपी स्किन डिजीज बीमारी की वैक्सीनेशन भी जब हमारे डॉक्टर्स या पैरा मेडिकल स्टाफ जाते हैं तो अवश्य। कैंट थाने की पुलिस ने दो शातिर अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने बताया कि कैंट पुलिस ने दो अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की है, जिनकी पहचान गैंग लीडर पीयूष पांडे पुत्र स्वर्गीय ओम प्रकाश पांडे निवासी सिकटौर बाजार मानीराम थाना चिलवा ताल जनपद गोरखपुर, दूसरा राजवीर जायसवाल उर्फ छोटू पुत्र स्वर्गीय हेमंत जायसवाल निवासी सिकटौर बाजार मानीराम थाना चिलवा ताल जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंट ने बताया कि इनका एक विधि विरुद्ध गैंग है, जिनके विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई
की गई है। उग गैंग का लीडर पीयूष पांडे स्वयं है, जो स्वयं व अपने गिरोह के अन्य सदस्य सह अभियुक्त के साथ आर्थिक, भौतिक, दुनियावी व अन्य लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से एक संगठित गिरोह बनाकर लूट जैसे अपराध कारित करते रहते हैं। गैंग के सरगना एवं अन्य सदस्यों का सामान्यतः जनमानस में भय एवं आतंक व्याप्त है, जिसके कारण इनको स्वतंत्र विचरण करने से रोकने एवं लूट संबंधी अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए जिला मजिस्ट्रेट के अनुमोदित पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंट योगेंद्र सिंह ने कहा, जनपद गोरखपुर में संगठित अपराध और अपराधियों के विरुद्ध चलाया जा रहे अभियान के क्रम में थाना कैंट पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। कैंट पर मुकदमा प्रांत संख्या 632/23 के तहत गैंग लीडर पीयूष पांडे, जो कि मानीराम थाना चिल्लोताल का रहने वाला है, तथा इसके सहयोगी राजवीर जायसवाल, जो कि मानीराम थाना चिल्लोताल का रहने वाला है, इनके विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। इनके द्वारा पूर्व में थाना कैंट पर लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके संबंध में अभियोग पंजीकृत किया गया। इनके द्वारा जो भी संपत्ति अवैध तरीके से अर्जित की गई है, उसको जल्द से जल्द तस्दीक करके इनके विरुद्ध 14 की कार्रवाई भी शीघ्र ही अमल। अब आपके शहर गोरखपुर में खुल गया है आपके सफर को आराम और भरोसे लायक बनाने के लिए महिंद्रा का भव्य शोरूम, जिसमें आपको महिंद्रा कार की पूरी रेंज, अब चाहे वो महिंद्रा स्कॉर्पियो, थार, बोलेरो, XUV 400, XUV 300, XUV 700 एवं महिंद्रा पिकअप व मैक्स पिकअप, इन सभी गाड़ियों के मॉडल एक ही छत के नीचे उपलब्ध हैं, और साथ ही आपको मिलेगी महिंद्रा की सर्विसिंग और यहां पर महिंद्रा गाड़ियों के एसेसरीज भी उपलब्ध है। अब आप अपने सफर को आसान और भरोसे लायक बनाना चाहते हैं तो एक बार हमारे महिंद्रा के शोरूम में अवश्य आए। हमारा पता है DP ऑटो मेडिकल कॉलेज रोड, अपोजिट सिटी हॉस्पिटल, मुगलपुर चरगावा, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर पर्सनल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117290। कमर्शियल व्हीकिल के लिए मोबाइल नंबर है 9289117291। मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि गाय व भैंस में हेमोरेजिक शिफ्टोसीमिया नाम की बीमारी होती है, जिसको गला घोटने की बीमारी कहते हैं, क्योंकि यह कंडीशन हार्ट एंड यूनिट की क्लाइमेट होती है, जिसको गर्म व नम्ब कहते हैं, जिसके लिए वैक्सीनेशन शुरू कर दिया गया है, जो कि मई महीने से शुरू है। अभी तक 400,000 वैक्सीनेशन कर चुके हैं। अभी 31,000 वैक्सीनेशन और होना है, जिसको एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी गिरेंद्र कुमार सिंह ने कहा, देखिए मुख्यतः बरसात के सीजन में हमारे गौवंश में, खास करके गाय भैंस में, और हिमोरेजिक सेप्टिसीमिया HS, जिसको कि आम भाषा में गला घोटू की बीमारी कहते हैं, इसकी होने की संभावना बहुत अधिक होती है, क्योंकि ये कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट होती है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट का मतलब गर्म और नम जलवायु। तो इसमें इसके लिए हम लोगों ने वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया है, और ये वैक्सीनेशन मई माह से ही हमारा चालू है। इस समय हम लोग लगभग 400,000 वैक्सीनेशन कर चुके हैं। हमें 31,000 वैक्सीनेशन होना है, जो 4 दिन के अंदर वो भी 431,000 वैक्सीनेशन कंप्लीट। GP एसोसिएशन के द्वारा एक निजी क्लब में डॉक्टर KN लहरी चैंपियन ट्रॉफी बैडमिंटन टूर्नामेंट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें जनपद के सभी डॉक्टरों ने भाग लिया। वहीं मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने विजेता व उप विजेता सहित सभी खिलाड़ियों को शील्ड व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया, जिसके संबंध में महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव ने बताया कि GP एसोसिएशन हर तरह के कार्यक्रम कराता रहता है। यह बैडमिंटन कार्यक्रम बहुत ही अच्छा है। यह कार्यक्रम शहर के पहले फिजिशियन KN लहरी की याद में हुआ है। आशा है कि यह संगठन आगे इसी तरह के कार्यक्रम करता रहेगा। इस अवसर पर डॉक्टर संजय गुलाटी, डॉक्टर अनामिका तिवारी, डॉक्टर संतोष यादव सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
थैंक यू सो मच सर। नेशनल इंटरनेशनल हम लोगों ने सारे आज सारे कर्तव्य देख लिए हैं। वेरी एक्टिव, वेरी डायनेमिक, वेरी टैलेंटेड एंड सो ऑन। डॉक्टर से बहुत खूब खेले, बैक टू बैक डॉक्टर ने तीन मैच खेले। दिल वाला है वो दिमाग लोगों को प्लीज आप लोग इस फोटो में लोगों में चाहिए। जीपी एसोसिएशन जो है विभिन्न इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महापौर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव व समाज सेवी अचिंत्या लहरी ने कहा कि सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो चाहे वो स्पोर्ट्स के कार्यक्रम हो उसमें अपना एक सहभागिता दर्ज कराने की कोशिश करती है जिससे सभी मेंबर्स जो है इनके सारे सदस्य बेहतर जीवन यापन कर सके अपने प्रैक्टिस के अलावा। ऐसे में ये कार्यक्रम बहुत बढ़िया हो गया और ये कार्यक्रम जो है डॉक्टर के एन लहरी जो गोरखपुर के पहले फिजिशियन थे उनकी याद में हम लोग कर रहे हैं, इसलिए इस कार्यक्रम को बहुत बहुत साधुवाद और ये कार्यक्रम दिनों दिन और आगे उत्तरोत्तर बढ़ेगा ऐसी मेरी आशा है। धन्यवाद। जनरल प्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन गोरखपुर जो डॉक्टर्स की एक प्रमुख संस्था है, इन्होंने डॉक्टर के एन लहरी मेमोरियल बैडमिंटन चैलेंज टूर्नामेंट कराया है। मेरा नाम अचिंत्या लहरी है, मैं डॉक्टर के एन लहरी का ग्रैंडसन हूँ। ये डॉक्टर्स की बैडमिंटन टूर्नामेंट है जिसमें पूरे शहर से डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसको तीन वर्गों में खेला जा रहा है जिसमें एक युवा वर्ग है, एक थोड़ा एल्डरली वर्ग है और महिला वर्ग में खेला जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ पे पिकनिक जैसा माहौल हो गया है। डॉक्टर्स अपने सारे परिवार के साथ अपना संडे स्पेंड करने यहाँ पे आए हैं जिसमें स्वादिष्ट यहाँ पे व्यंजन लगे हुए हैं, टूर्नामेंट हो रहा है और उत्साह का माहौल है। सब लोगों को पुरस्कार वितरण किया जाएगा। हमारे मुख्य अतिथि हमारे माननीय सांसद रवि किशन जी भी आए थे, काफ़ी समय यहाँ पे बिता के गए हैं। उनको प्रधानमंत्री की मन की बात के कार्यक्रम में जाना था, थोड़ा जल्दी चले गए हैं। जब ये टूर्नामेंट खत्म होता है सारे विजेताओं को यहाँ पे पुरस्कृत किया। दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में रविवार को स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया जिसके संबंध में दिग्विजयनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने बताया कि हर वर्ष की भांति महाविद्यालय में दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान माला का आयोजन किया गया है जो कि 24 अगस्त से 30 अगस्त तक चलेगा, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सिद्धार्थनगर विश्वविद्यालय के कुलपति हरि बहादुर श्रीवास्तव आए हुए हैं जो कि भारत के ज्ञान परंपरा पर एकीकृत वैज्ञानिक दृष्टिकोण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि भूगर्भ सिद्धांतों के माध्यम से विषय पर चर्चा की गई जिससे कि छात्र व छात्राएं जान सके कि हमारे देश की भौगोलिक स्थिति क्या है। इस अवसर पर प्रोफेसर रविशंकर सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। और उसके नीचे एक्टिवा, यही एक्टिवा स्पीयर है जो शहर के तरीके से है, इसकी डेंसिटी करीब करीब सारी। मदन मोहन मालवीय ने कल्चर के देश को आगे बढ़ा और लगभग उसी के 16 साल के बाद लगभग 1932 के आसपास महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की स्थापना गोरखपीठ के प्रधान में हुई और महंत दिग्विजयनाथ जी का ये स्पष्ट मत था कि शिक्षा ही राष्ट्रीय विकास का सबसे सफल साधन हो। और वैसे भी आज का जमाना कॉमर्स का है, बिजनेस का है, लेकिन शिक्षा में इन्वेस्ट करना एक ऐसा स्रोत है या एक ऐसा बिजनेस है कि उसमें कभी नुकसान नहीं हो सकता। जितने ही आप शिक्षित होंगे उतने ही आप सफल होंगे। अगर 24 से 30 तक आपके इस कॉलेज में
का आयोजन चल रहा है, एकेडमी का कॉम्पियर का, जिसमें शिक्षा शास्त्र, प्राचीन इतिहास, हिंदी, भूगोल, अर्थशास्त्र और विज्ञान के तमाम सारे प्रोधा अपने ज्ञान को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं अपने जन्मभूमि पे आज पहली बार किसी ने मुझे मौका दिया तो ओम प्रकाश जी का मैं खास तौर से शुक्रगुजार हूँ। रवि शंकर जी ऐसे विद्वान के साथ मुझे अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है। हम बेसिकली भूगर्भ विज्ञान से संपर्क रखते हैं, जमीन के अंदर क्या है, कैसे हम उसको निकाल सकते हैं और कैसे वो होकर देश के लिए यूजफुल हो। तो ये टॉपिक अपने आप में बहुत बड़ा है, लेकिन हम आपके लेवल पे जाके ये दिखाना चाहते हैं कि आप हर रोज अखबार में पढ़ते हैं कि इंडिया धीरे धीरे चाइना की तरफ बढ़ रहा है, रोज भूकंप आ रहा है, आपका ये गोरखपुर सेक्टर जोन 5 में आता है, जोन 4 से जोन 5 के बीच में, जो कि भूकंप के लिए बहुत सेंसिटिव। तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इंडिया कैसे चाइना की तरफ बढ़ रहा है और उसके क्या रिजल्ट हैं और उस बढ़ने से आप यहाँ भूकंप कैसे आता है और भूकंप होने के पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं। हर बार जब आप अखबार में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि इंडिया की प्लेट आगे की तरफ, नॉर्थ की तरफ बढ़ रही है, तो हम उसको आपको एक आइडिया देना चाहते हैं कि ये प्लेट कैसे बढ़ रही है। और हमने इसका टॉपिक लिया है इंटीरियर ऑफ द अर्थ एंड प्लेट टेक्टोनिक, कि जमीन के अंदर क्या है और प्लेट कैसे की तरफ मूव करती है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर ओम प्रकाश सिंह ने कहा, प्रतिवर्ष की बात महाविद्यालय में दिग्विजयनाथ स्मृति व्याख्यान वाला जो 7 दिनों तक चलती है और 24 तारीख से 30 तक ये चलने वाली है। आज चौथे दिन सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर के कुलपति जी प्रोफेसर हरि बहादुर श्रीवास्तव जी और मुख्य वक्ता के तौर पे प्रोफेसर रविशंकर सिंह, भौतिकी विभाग के अध्यक्ष दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर है। आज का जो विषय है वो भारत के ज्ञान परंपरा में एकीकृत और वैज्ञानिक दृष्टिकोण कैसा है, इसी विषय पर केंद्रित व्याख्यान है। अभी व्याख्यान चल रहा है, मुख्य अतिथि जी जो है चूँकि भूगर्भ शास्त्री हैं इसलिए भूगर्भ शास्त्र के सिद्धांतों के माध्यम से वो इस विषय को रख रहे हैं कि कैसे एक देश जहाँ पे है उसकी भौगोलिक स्थिति समयांतर में जो है बदल जाती है और पूरे विश्व का भूगोल बदलता रहता है। अब आप अपने घर की खूबसूरती में 4 चांद लगाना चाहते हो तो अब वह चाहे आपका किचन हो, बाथरूम हो, हॉल हो, ड्राइंग रूम हो या आपका अपना ऑफिस, खूबसूरती का एक नाम कजारिया टाइल्स जरूर इस्तेमाल करें और अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। अब आपके शहर में खुल गया है कजारिया टाइल्स का भव्य शोरूम, सिरेमिक वॉल और फ्लोर टाइल्स की शानदार रेंज, नवीनतम डिजाइन, सरफेसेस और फिनिशेस। एक बार हमारे शोरूम पर अवश्य आएं और हमें सेवा करने का मौका दें। हमारे यहाँ हर प्रकार की टाइल्स उपलब्ध है। पता जगरवि एंटरप्राइजेस, 64 अखिलित भवन, महेवा बंधा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। खूबसूरती का एक ही नाम कजरिया टाइल्स। मोबाइल नंबर 8840602403 8299370240। एक बार पता और सुन लें, जगरवि इंटरप्राइजेज, 64 अखिलित भवन, महेवा बंदा रोड, ट्रांसपोर्ट नगर, गोरखपुर। अपने घर की खूबसूरती के लिए एक बार अवश्य पधारें। राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने घोसी विधानसभा में हो रहे उपचुनाव पर कहा कि कांग्रेस व सपा व अन्य राजनीतिक पार्टियों द्वारा घमंडिया नाम का संगठन बना हुआ है। घोसी उपचुनाव में घमंडिया वाले साथ खड़े हैं और देश में इंडिया नाम रख कर सामने आए हैं। ये कितने भी नाम बदल लें और कितना भी संगठन बना लें, अब जनता इनके एक भी बात सुनने वाली नहीं है। इन्होंने कहा कि हम घोसी विधानसभा के उपचुनाव में
कल था और आज भी रहूंगा। मेरा वहां के आम जनता के बीच जाना हुआ है। वहां की आम जनता मोदी व योगी के साथ खड़ी है। घोसी विधानसभा की जनता कमल खिलाने जा रही है। हम बहुत भारी मतों से उपचुनाव जीतेंगे। उन्होंने कहा कि सभी विपक्षी एकजुट होकर इंडिया नाम रखे हुए हैं। पहले ये यूपीए थे, लेकिन हम इनको घमंडिया कहते हैं। इन लोगों ने केंद्र की सरकार में बैठकर घपले किए थे, उससे बचने के लिए इन लोगों ने नाम बदला है। इनके चेहरे से जनता जागरूक हो गई है, इसलिए लोकसभा चुनाव में यूपी से 80 सीट भाजपा जीतने जा रही है, क्योंकि सभी नागरिकों के आवश्यकताओं की पूर्ति भाजपा ने किया है, जिससे जनता भाजपा के साथ है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद ने कहा, कांग्रेस और अन्य से जो दल है उनका पहले से घमंडिया नाम का संगठन बना हुआ है, और इस घमंडिया वाले इस उपचुनाव में भी साथ में खड़े हैं, और देश के राजनीतिक पदस्थ पर भी सामने आए हैं अपना नाम बदल करके। ये कितने भी नाम बदल लें और कितना भी गठजोड़ और गठबंधन कर लें, अब जनता इनकी कहीं कुछ सुनाई करने वाली नहीं है। मैं घोसी चुनाव में कल था, आज भी रहूँगा, और वहाँ की आम जनता के बीच मेरा जाना हुआ है। आम जनता मोदी जी और योगी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है, और मैं कह सकता हूँ कि गांव गरीब की जनता कमल खिलाने के लिए आतुर है, और वहाँ से उपचुनाव हम बहुत भारी मतों से जीतेंगे। सर देखा जाए 2024 में सभी बच्चे एकजुट हो गए, इंडिया नाम रखा गया, क्या लगता है कितना प्रभाव पड़ेगा भाजपा पर? इंडिया नहीं घमंडिया, ये यूपीए थे और यूपीए के नाते इन्होंने जो घोर घपले केंद्र की सरकार में बैठ के किए थे, उससे बचने के लिए इन्होंने जो नाम बदला है, नाम बदल कर भी कितने भी चेहरे बदलें, इनके चेहरों से जनता वाकिफ हो गई है। इनकी सोच और इनकी राजनीतिक शैली जो काम करने की है वो जात आधारित है, तुष्टिकरण की राजनीति करके आगे बढ़ने का है, और जनता में भेद और विभेद पैदा करके ये हमेशा राजनीति में सत्ता हासिल किए हैं। और जो आम गांव गरीब की जनता का एक विकास होना चाहिए था, वो विकास बहुत पीछे छूटा हुआ था। आदरणीय मोदी जी ने पूरे देश में काया पलट किया हुआ है, और मैं कह सकता हूँ कि जो आम जनता है मूलभूत आवश्यकताओं के लिए जूझ रही थी, संघर्ष कर रही थी, उन आवश्यकताओं की पूर्ति मोदी सरकार ने बहुत अच्छी तरीके से किया है। रोटी हो, कपड़ा हो, मकान हो, दवाई हो, शिक्षा हो, चिकित्सा हो, मैंने कहीं भी किसी भी स्तर पर आज समाज बिल्कुल पटरी पर है, और समाज को मूलभूत आवश्यकताएं इस देश में इन 9 सालों में मिली हैं, जो कभी ऐसा संभव नहीं हुआ। खदनी थाने की पुलिस व एसओजी व स्वाट टीम ने कूटरचित करेंसी का असली रूप में प्रयोग करने पर व धोखाधड़ी व गबन करने के आरोप में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी पहचान दीपक कुमार पुत्र देवी प्रसाद निवासी हरिजन ग्राम टिकरी बुजुर्ग थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, दूसरा रतनलाल चौहान पुत्र मोतीलाल चौहान निवासी पीड़िया थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, तीसरा मनीष यादव पुत्र दीनानाथ यादव निवासी ग्राम कटवर थाना बांसगांव जनपद गोरखपुर, चौथा राजेंद्र यादव पुत्र रामशरण यादव निवासी कठैचा बिंद थाना खजनी के रूप में हुई है, जिसके पास से 10,85,000 नकद,
एक बंडल 500 के नोट जिसमें बाहरी छोर पर असली व आगे पीछे चिल्ड्रन बैंक ऑफ इंडिया के नोट, एक बंडल 200 के नोट, 500 रुपए के एक व 100 रुपए के दो नकली नोट, 5 मोबाइल, घटना में प्रयुक्त 3 मोटरसाइकिल बरामद किया गया है। एसएसपी ने बताया कि उनवल चौकी के पास एक सोने का सिक्का दिखाकर 109 नकली सोने के सिक्के बेचे गए जिसमें वादी से 1,20,000 भी लिए गए। वादी ने सिक्कों की जांच कराई तो सिक्के नकली निकले जिसको देखते हुए वादी ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया जिसके बाद खजनी पुलिस ने 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में खजनी थाना प्रभारी राजेश कुमार, एसओजी प्रभारी मधुपनाथ मिश्रा, स्वाट टीम प्रभारी सूरज सिंह, उप निरीक्षक राजेश यादव, जितेंद्र यादव, मणि प्रसाद, हेड कांस्टेबल राजीव दुबे, कांस्टेबल शुभम सिंह, रविंद्र वर्मा, रविंद्र यादव शामिल रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसएसपी डॉक्टर गौरव गुरुवर ने कहा, गोरखपुर के थाना खजनी के उनवल क्षेत्र में विगत 21 तारीख को एक ठगी या टप्पेबाजी की घटना एक स्वर्ण कार के साथ हुई थी। जब उसको एक दिन पूर्व एक संगठित गिरोह द्वारा एक सोने का सिक्का सस्ते दाम में लिया गया था और चेक कराने के लिए बताया गया था। जब सरकार इस बात से संतुष्ट हो गया कि सोना असली है तो अगले दिन उसको ऐसे 109 सिक्कों की डील दी गई और उसका 12 लाख जो दाम तय किया गया, क्योंकि एक दिन पहले ही ये उसके द्वारा चेक करा लिया गया था, तो इस झांसे में आकर के उसके द्वारा उधार और लोन से पैसा लेकर के 12 लाख रुपए इस गिरोह को दिया गया और 109 सिक्के लिए गए। जब बाद में उसके द्वारा चेक कराया गया तो ये सोने के सिक्के जो उसको तथाकथित रूप से दिए गए थे वो नकली निकले। इस संबंध में पुलिस को उसने इन्फॉर्म किया और तत्काल इसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया गया, क्योंकि काफ़ी बड़ी रकम इसके द्वारा पे की गई थी। तो सभी सीनियर अधिकारी एसपी साउथ साहब और विशेष रूप से जो हमारे सीओ खजनी हैं उनके नेतृत्व में हमारी थाना की टीम, एसओजी स्वॉट की टीम, सर्विलांस की टीम, इस घटना पर एक टीम के रूप में इनके द्वारा काम किया गया और इस गिरोह को अरेस्ट किया गया है। इसके 3 सदस्य अरेस्ट किए गए हैं, 4 सदस्य इसमें अरेस्ट किए गए हैं और उनके पास से जो कैश है 10,85,000 रुपये जो इस घटना में उनके द्वारा लिया गया था उसमें से 10,85,000 कैश रिकवर हुआ है। एक सोने का सिक्का भी इसमें जो है नकली भी इसमें रिकवर हुआ है। साथ ही साथ इनके द्वारा जो भविष्य में घटना कारित की जानी थी उस संबंध में भी रिकवरी हुई है। इनके द्वारा अगली घटना नकली नोटों से संबंधित या चूरन वाले नोट जिनको बोला जाता है आम भाषा में, उसके गड्डी के ऊपर असली नोट लगाकर लोगों को झांसा देना की घटना का एक प्लान कर रहे थे, वो भी सारी चीज़ें रिकवर हुई हैं। इनको अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और आगे चल के इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। लोगों को बेवकूफ बनाकर ठगने लगा। देखिए, इस घटना में इनके द्वारा एक स्वर्ण कार को आइडेंटिफाई करके उनको पहले एक सिक्का दिया गया जो कि एक असली सोने का सिक्का था और बताया गया कि उनके पास इस तरह के और भी सिक्के हैं तो पहले वो इसको टेस्ट करा लें, संतुष्ट हो लें। जब स्वर्णकार द्वारा उस सोने के सिक्के को टेस्ट कराया गया, असली निकला, तो उसको विश्वास हो गया कि इनके पास और भी सिक्के हैं जो कि सस्ते दाम में ही उसको दे देंगे। उसी पे विश्वास करते हुए उसने आगे की डील की। इसके अतिरिक्त और बेसिकली इसके पीछे वो ढूंढते हैं कि लालच है जो कई बार लोगों के मन में आ जाता है जिस कारण से ये किया। और भी कई घटनाएं की है कि पहली घटना? देखिए, अभी तो यही घटना और जो आगे वाली करनी थी वही इसमें आई है। बाकी जनता के व्यक्तियों से भी इसमें रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि यदि इस तरह की घटना किसी के साथ भी कहीं भी हुई हो तो तत्काल पुलिस को इन्फॉर्म करें, उस संबंध में विधिक कार्रवाई की जाएगी। देखिए, इनके द्वारा जो घटना की गई थी वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी थी जो इस गिरोह की या इनके गिरोह के सदस्यों की पहचान जिससे हो पाती थी, और जब टीम द्वारा सर्विलांस और एसओजी टीम द्वारा इसके ऊपर काम किया गया तो ये पूरे गिरोह को पहले तो आइडेंटिफाई किया गया, फिर इनके ऊपर दबिश दी गई और इनको अरेस्ट किया गया। जो नकली सोना तैयार किया गया इसको लेकर, देखिए, इन्होंने जो नकली सिक्के तैयार कराए थे पूछताछ में इन्होंने बताया है कहाँ से तैयार कराए थे, इन्वेस्टिगेशन उस डायरेक्शन में भी